देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। उज्जैन, उज्जैन के जूना सोमवार क्षेत्र में हुसैन अपार्टमेंट में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों में भगदड़ मच गई और सभी अपनी अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट से नीचे उतरने लगे। इसी बीच तीन लोग आग के चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का कहना है कि आग लगने का कारण गैस की नली फटने से आग लगी। पुलिस का कहना है कि आग की चपेट में आने वाले तीन लोग एक ही परिवार के हैं। यूनुस हुसैन सुबह चाय बनाने के लिए रसोई घर में गए, जहां उन्होंने माचिस से गैस को चालू करने लगे। इतने में घर में आग लग गई, जिसमें यूनुस पूरी तरह से जल गया और उसको बचाना गए परिवार के दो सदस्य भी जल गए, जिनको आसपास के लोगों ने तुरंत जिला अस्पताल लाए, जहां उनका इलाज अभी चालू हुआ है। अपार्टमेंट में जो आगजनी की घटना हुई है, क्या हुआ था, क्या मालूम पड़ा है आपको? मैं एक्चुअली सोया हुआ था, जब एकदम धमाके की आवाज़ आई तो मैं निकल के बाहर आया तो तीनों बाहर आ चुके थे। वो अंकल तो पूरी तरह बर्न, पूरे जल चुके थे। वो और दोनों दोनों लड़के, एक को तो पाँव में कांच वगैरह लग चुका था और दोनों की मतलब बहुत बाहरी विंडो में से उनको बाहर निकालना। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कैसे हुआ था हादसा? एकदम शायद तक गैस लीकेज हो गई थी, गैस ब्लास्ट हो गई, उस वजह से हादसा होगा। ये कितने लोग थे कुल मकान में और कौन कौन कितने इंजर्ड हुए इसमें? इसमें जो यूजर भाई मेन थे वो 95% के समथिंग कुछ बर्न हो चुके और दोनों लड़कों को थोड़ी मामूली चोटें आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिक है। सोमवार 52 फ्लैट हुसैनी अपार्टमेंट की घटना है और घर में गैस सिलेंडर लीकेज हो गया था, उससे उनके फादर जो है जूजर हुसैन मोहम्मद हुसैन और इंजर्ड हो गए। 95% से ऊपर इंजर्ड है, उनको अभी हमने चौहतराम अस्पताल रेफर करा है। दो बच्चे हैं, मुस्तफ़ा और हुसैन, अभी सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और वो हल्के से इंजर्ड है। क्या नाम लिखना पूरा? जूजर मोहम्मद हुसैन तांबा वाला पेशेंट का नाम है। नहीं, आपका नाम? मुस्तफ़ा रोना। आज सुबह लगभग 8:30-9 बजे जूना सोमारिया से भोरा समाज के तीन लोग चल के आए, जिसमें एक सीरियस है। घरेलू गैस कहीं लीकेज हो गई थी, सुबह चाय बनाने के लिए उठे होंगे तो टंकी फटना बताया उनको। एक सीरियस है और दो का इलाज यहाँ जिला चिकित्सालय में चल रहा है। उज्जैन से समय जगत रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।